हेलो इंटरनेट, मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने ये सोचा कि आज कहीं नहीं जाएंगे। आज थोड़ा सा धूप में बैठेंगे और इतने दिनों की भागदौड़ी और पूरा दिन टीचिंग करते हुए बस कभी कभार ऐसा लगता है कि लाइफ का पर्पस क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या खाली बस जैसे आजकल सब लोग जी रहे हैं, एक मोनोटोनस ज़िंदगी जी रहे हैं, सुबह उठते हैं और अपना रोज का काम करते हैं, नौकरी जाते हैं, फिर उसके बाद फिर वही रात का खाना और सो जाना, यही सब लोग कर रहे हैं। जब मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोचता हूँ तो लोगों को लगता है कि ये पागल हो गया है, जबकि मैंने बहुत सारी जगहें देखी, बहुत जगहों पर मैं गया, घूमा घामा। आई हैव ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल कॉर्नर ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इंक्लूडिंग चेरापूंजी, मेघालय एंड वेरियस प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश, एवरीवेयर आई हैव ट्रेवल्ड। एंड यू सी द बिगेस्ट डिफरेंस विच आई हैव फाउंड इन इंडियंस एंड फॉरनर, सबसे ज़्यादा जो फ़र्क मुझे नज़र आया हिंदुस्तानियों में और बाहरी लोगों में, यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी खुल करके जीते नहीं हैं। 12 महीने नौकरी करते हैं, 12 महीने तनाव में रहते हैं और ज़िंदगी का मकसद क्या है यही नहीं पता। और मेरे जितने भी फॉरेन फ्रेंड्स हैं, चूँकि मेरी पैदाइश परवरिश से एक अलग तरीके के माहौल में हुई, तो मेरा जो सोचने का तरीका, इट इज़ नॉट इन हारमनी विथ द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग। यहाँ लोग ऐसी ही लाइफ जिए जा रहे हैं और उनको यही नहीं पता कि हमको करना क्या है आगे। और मेरे फॉरेन फ्रेंड्स आते हैं, वो कहते हैं कि माय गॉड व्हाट आर यू डूइंग हियर, एंड आई नो दैट यू कैन नॉट लिव इन दिस मोनोटोनस वे द वे अदर्स आर लिविंग। इसलिए मैं ज़्यादातर अपना समय बिंदास घूमता हूँ, मज़े से रहता हूँ, एंड इवन दो यू नो आई फुलफिल ऑल माय पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉट एवर आई हैव इन माई लाइफ, I fulfill all my responsibilities with utmost dedication and honesty. But so far my individuality is concerned, I never sacrifice my individuality just for the sake of satisfying each and every person. You cannot just keep on spending your life and living in a vague manner. आप हर एक व्यक्ति को खुश नहीं रख सकते, तो आप मस्त होकर के रहिए, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से रहिए, एक दिन तो जाना ही है सबको। तो जो भी लाइफ आप पाए हैं उसको खुल करके रहिए। मैं इसलिए जहाँ कहीं पर भी जाता हूँ और अपने स्टूडेंट्स से डिस्कस करता हूँ, यही बताता हूँ सबसे कि देखिए, आप अपनी फैमिली के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी करिए और लाइफ को खुल कर करके जीने की आदत डालिए। तो आज मैंने यही सोचा कि आप लोगों से इस टॉपिक पर क्यों ना बात किया जाए। वॉट एवर इज गोइंग इन योर माइंड, आई एक्सपेक्ट दैट यू विल राइट टू मी, और जो भी आपके मन में बात आती है आप मुझसे कम्युनिकेट करिए। ओके, बाय, टेक केयर।